खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद क्षेत्र से है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला से धोखाधड़ी करते हुए जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। जेवरातों की कीमत करीब 85,000 रुपए के आसपास बताई गई। दरअसल मामला धरियावाद के सीमावर्ती क्षेत्र लोड़ी मांडड़ी गांव का है, जहां बाइक सवार बदमाश बर्तन और आभूषणों को चमकाने का लालच देकर रूपली लबाना के घर पहुंचे। बदमाशों ने आभूषणों को चमकाने के बहाने महिला के सोने के आभूषण उतराए और उसके बाद पानी में डालकर बातों ही बातों में उसे चकमा देकर फरार हो गया। जब महिला को अपने आभूषण गायब मिले तो उसके होश उड़ गए। महिला ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई और इसके बाद पीड़िता के पति ने पुलिस में जाकर यह पूरा मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मोटरसाइकिल लेकर के आए थे, उन्होंने कहा कि बाथरूम साफ कराने की हम दवा लेके आए के किसी को लेनी हो तो यूं। फिर ये जो वो घर घर घूमे और महिला को कहने लगे कि भाई बर्तन साफ कराना हो, किसी को रकम साफ करानी है तो हम करते हैं। तो फिर ये सास और बहू दोनों एक अकेली थी घर में और इनको कहा, तब जिन्होंने कहा कि भाई मैं ये बर्तन ला तेरा साफ कर देते। एक बर्तन दिया तो साफ कर दिया, फिर एक चांदी की अंगूठी दी तो वो भी साफ करके दे दी। फिर क्या कि ये सोने की जाल है 2.5 तोला की, करीबन 75,000 की कीमत की। इस प्रकार का वो इनको दे टिपण और वो जाल लेकर के भाग। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।